हेलो स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास टुडे वी विल कंटिन्यू योर चैप्टर नंबर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर कब कैसे और कहाँ इसमें अभी तक हमने डेट्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको पढ़ लिया है कि डेट को हम कैसे फिक्स करते हैं यह है पढ़ लिया हाउ डू वी पीरियोडाइज अब यह भी पढ़ लिया है और फिर हमने इसमें कॉलोनीजम के बारे में पढ़ा कि वट इज़ कॉलोनियल कॉलोनियल क्या होता है यह भी हम इस पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डू वी नो कि हम किस तरह जानते हैं नॉलेज हमें किस तरह से हम हमें पता चलता है कि यह कौन सा पीरियड था टाइम पीरियड था ठीक है वट सोर्स डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट टू फिफ्टी ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो भारतीय इतिहास के क्या है पिछले दो सौ पचास साल का इतिहास लिखने के लिए जो इस, हिस्टोरियंस है इतिहासकार कौन कौन से जो सोर्स यूज करते हैं वह हम इसमें जानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड क्या है प्रशासन अभिलेख तैयार करना वह क्या करते थे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या रिकॉर्ड तैयार किया एक अभिलेख तैयार किया उसकी एक क्या बनाई फाइल बनाई जिसको उन्होंने रिटर्न में तैयार किया था ठीक है One important source is the official record of the British administration. The British believed that the act of writing as important. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. This conviction product produced an administrative culture of memos, nothing and reports क्या था अंग्रेजों के टाइम पीरियड में क्या था सबसे इम्पोर्टेंट उनका सोर्स था कि वह अपने जो डॉक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उसको क्या है क्या रिटर्न इम्पोर्टेंट सोर्स था ऑफिशियल उनका एक महत्वपूर्ण साधन होते थे और अंग्रेजों की मान्यता थी उनका बिलीव था वह बिलीव करते थे कि जो हमारी चीज़ों को क्या है हमारे जो प्लान बनते हैं पॉलिसीज़ बनती हैं इनको हमें रिटर्न में क्या है डॉक्यूमेंट्री एक रिकॉर्ड तैयार कर लेना चाहिए जिसके द्वारा क्या है साफ साफ लिखना जरूरी था और ऐसा करने पर क्या था कि जो हमारी चीज़ है अच्छी तरह से हम इस इनको क्या है स्टडी कर सकते थे और उन पर क्या है डिबेट डिबेट किया जा सकता था और इस समझदारी के चलते जो नॉलेज है हमारी वह टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की जो संस्कृति वह पैदा हुई थी अंग्रेजों ने ही यह सब शासन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया था द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडिड टू बी केयरफुली प्रिजर्व सो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव institution, the village, the sildars office, the collector, the commissioner office, the provisional secretaries, the law court, law courts, all had their record rooms. Special, specialized institutions like archives and museum were also established to preserve important रिकॉर्ड और अंग्रेज़ों को यह भी महसूस हुआ था लगा था कि फैल हुआ था महसूस हुआ कि तमाम अहम हमारे जो इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वह है, पत्रों को हमें क्या है रिकॉर्ड्स को लेटर्स को हमें केयरफुली संभाल कर रखना चाहिए और लिहाजा उन्होंने सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव संस्था इंस्टीट्यूशन है और अभिलेख कक्ष को भी बनवा दिए और क्या ऑफिस बना दे जहाँ के पे क्या है तहसीलदार का ऑफिस है कलेक्टर ऑफिस है कमिश्नर का ऑफिस है और हमारा जो विलेज सेक्रेटरीज और क्या है लॉ कोर्ट्स है सचिवालय कचहरी सबके लिए रिकॉर्ड रूम होते थे उनके टाइम में भी और फिर क्या है इम्पोर्टेंट जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्या है बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार यानी कि म्यू और म्यूजियम वगैरह संग्रहालय जो Bhi letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. you can also study the notes and reports that district official prepared or the instructions and directives that were sent by official at the top of provincial administration डायरेक्टिवियल सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा एक बेंच ब्रांच से दूसरी ब्रांच के पास भेजे गए जो लेटर्स है और ज्ञापन है मेमोज है उनको क्या है आज भी अभिलेखागारो जो हमारे म्यूजियम है देख सकते हैं वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्स होते हैं ऑफिशियल होते हैं उनके द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं और ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए जो डायरेक्टिव है निर्देश है और सुझाव है आइडियाज है देख सकते हैं नाइनटीन सेंचुरी की शुरुआत के सालों में इन दस्तावेजों को क्या है इन डॉक्यूमेंट्स को क्या पूरी तरह प्रोटेक्ट सावधानी पूर्वक नकलें इनकी बनाई जाती थी फिर क्या हुआ इन अर्ली इन द अर्ली ईयर ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट द ब्यूटीफुली रिटर्न बाय कॉलीग्राफिस्ट, दैट इज बाय दोस्ट हो स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुली राइटिंग पहले क्या किया जाता था इनकी जो कापियाँ बनाई जाती थी वह क्या की जाती साथ नकलें बनाई जाती थी और उन उन्हें क्या है हैंड रिटन में ही बनाया जाता था और जिनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती थी वही इन जो डॉक्यूमेंट्स को नकल करते थे बन उनको ही लिखने के कॉलीग्राफी करने के लिए दिया जाता था बाय द मिडल ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपारमेंट और क्या है कि उन्नीसवीं सदी के जो मध्य में क्या था छपाई प्रिंटिंग तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी जो है फैलने लगी थी और इस टेक्नोलॉजी के दम पर सहारे अब प्रत्येक सरकारी जो विभाग की कार्यवाही में जो डॉक्यूमेंट्स की कई कई जो कॉपीज की जा सकते थे उसकी फोटोकॉपी कर सकते थे अब है, सर्वे जो सर्वे जो है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व कि जो सर्वेक्षण थे सर्वे थे उसका इंपोर्टेंट कैसे बढ़ रहा था द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश बिलीव दैट ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नॉन बिफोर इट कुड भी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है कि अपनिवेश कॉलोनियल जो रूल के टाइम है शासन के दौरान क्या था जो सर्वे का क्या हो गया था चलन भी इम्पोर्टेंट होता गया और अंग्रेजों को ब्रिटिश को बिलीव था कि इस देश की अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए मतलब इंडिया में अच्छी तरह से अपना कंट्रोल करने के लिए और अपने रूल को लागू करने के लिए उन्हें सर्वेक्षण का यानी कि सर्वे का तरीका सबसे जरूरी होता था द बाय द अर्ली नाइन्टीन सेंचुरी डिटेल्ड सर्वे वर बीग कैरिड आउट ऑफ मैप द एंटायर कंट्री इन दिलेज रिवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड द एफर्ट वॉज टू नाउ द टोपोग्राफी द सोयल क्वालिटी द फ्लोरा द फोना द लोकल हिस्ट्रीज एंड द copying cropping pattern all the facts see seen as necessary to know about to administer in the region from the end of the 19th century census operation were held every 10 years. these prepared details record of the number of people in all the all the provinces of india notice द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोवेंस ऑफ इंडिया नथिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन देयर वर मैनी देयर सर्वे बॉटनिकल सर्वे जूलॉजिकल सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे क्या था नाइनटीन सेंचुरी के स्टार्टिंग में पूरे देश का क्या है मैप तैयार किया गया नक्शा बनाया गया और बड़े बड़े जो सर्वे बहुत सर्वे किए जाने लगे विलेज के गाँव से जो राजस्व टैक्स कलेक्ट करने सर्वेक्षण किए गए और इन जो सर्वे में जो धरती है हमारी लैंड है सॉयल है उसकी क्वालिटी गुणवत्ता को गुणवत्ता वहाँ मिलने वाले जो पेड़ पौधे जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का उन्होंने क्रॉप्स का पता लगाया जाता था अंग्रेज़ों का मानना था कि इस इलाके का शासन चलाने के लिए हमें इन सारी बातों की इन्फॉर्मेशन पहले ही इकट्ठी कर लेनी चाहिए और नाइनटीन सेंचुरी के आखिर से हर दस नाइन्टीन सेंचुरी के बाद से क्या हुआ कि हर टेन इयर्स के बाद सर्वे किया जाने लगा जहाँ और इन सर्वे में क्या है लोगों पॉपुलेशन उनकी कास्ट उनका एरिया उनका ऑक्यूपेशन के बारे में क्या है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती थी और इसके अलावा क्या है जुलॉजिकल बॉटनिकल और आर्क्योलॉजिकल पुरातत्वी और क्या है एंथ्रोपोलॉजिकल और फॉरेस्ट सर्वे भी आदि कई दूसरे सर्वे भी इसमें यहाँ किए जाने लगे थे अब है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल कि जो अधिकृत ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स है क्या पता नहीं चलता है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उनसे हमें क्या पता नहीं चलता है फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नाउ ए नो ए लॉट बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स दे टेल अस वट द ऑफिशियल थाट वट वट दे वर इंटरेस्टेड इन एंड वट दे विश्ड टू प्रिजर्व फॉर पोस्टरिटी दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड वट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड वट ले बिहाइंड देयर एक्शन इसमें क्या था रिकॉर्ड्स के जो विशाल भंडार थे बनाए ऑफिस बनाए गए थे हमें बहुत कुछ पता लगा सकते हैं फिर भी हम इस बात की इन्फॉर्मेशन को नजर इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि यह सारी इंफॉर्मेश यह सारी गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड है और इनसे हमें यही पता चलता है इससे हमें यही पता चलता है कि गवर्नमेंट अफसर और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वह क्या सोचते हैं उनकी किन चीज़ों में इंटरेस्ट है और बाद के वह किन चीज़ों को बचा हुआ है और बाद में हुआ है किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते हैं इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती में करने में मदद नहीं मिलती कि देश के जो दूसरे लोग हैं दूसरे जो लोग हैं वह क्या फील करते हैं और उनकी जो कार्यवाही है उनके जो एक्शन है वह उनकी वजह क्या थी फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर वहन बी बिगेन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्स बी फाइंड दैम ए Palanti, though they are more difficult to get than official record. We have drives of people, accounts of pilgrims and travellers, autobiographies of important personalities and popular booklets that were sold in the local bazaar as printing separate newspapers were published and issue were. डिबेटेड इन पब्लिक लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू सेपरेट देयर आइडियाज़ पोइट्स एंड नॉबलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देअर फीलिंग्स और क्या था कि इन बातों को इन सब चीज़ों को दूसरे लोगों की फीलिंग्स को जानने के लिए हमें कहीं कहीं और देखना होगा हमें कहीं दूसरी चीज़ों की और देखना होगा जब हम ऐसे दूसरे सोर्स को की जो खोज करेंगे इन्वेस्टिगेशन करें करेंगे तो हमें निकलते हैं तो क्या है उनकी भी कोई कमी नहीं उनकी भी कोई कमी नहीं रहती जैसे हम दूसरे जो इन्फॉर्मेशन है दूसरे लोगों के बारे में कि वह कैसे मिली कि ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है लेकिन क्या मुकाबले इनको ढूंढना मुश्किल होता है लेकिन लिहाजा इस लोगों लिहाज से लोग की डायरियाँ उनकी जो डायरियाँ हैं तीर्थ यात्राओं और यात्रियों का संस्मरण महत्वपूर्ण लोगों की जो ऑटोबायोग्राफी है स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली जो फेमस बुक है वह महत्वपूर्ण हो जाती है जैसे जैसे जो प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी फैलती गई बढ़ती गई तो क्या है न्यूज़पेपर छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर हम डिबेट करना भी होने लगी और क्या है नेताओं जो पॉलिटिशियन थे सुधारकों ने अपने थाट्स को फैलाने के लिए उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और कवियों और उपन्यासकारों ने भी अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए लिखा ऑल दि सॉर्स हाउ एवर दे आर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट फ्रॉम दिज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स the workers in the mines or the poor on the streets getting to know their lives is a more difficult task yet this can be done if we make a little bit of efforts when you read this book you will see how this can be done kya tha how like in, in saare source or यह जो सोर्स थे वह उन लोगों ने बनाए थे प्रोड्यूस किए थे जो पढ़ना लिखना जो लिटरेट थे जो एजुकेटेड थे जानते थे और इनसे हम यह भी पता नहीं लगा सकते कि जो आदिवासी थे वह और पी, पीजें थे किसान और खदानों में काम करने वाले माइंस में जो काम करने वाले जो मज़दूर वर्ग थे वर्कर्स थे या सड़कों पर लाइफ बिताने वाले जो गरीब किस तरह से अपने अनुभवों से गुजर रहे थैंक यू उनकी जो फीलिंग्स थी वह क्या रही होगी इन सब से हम इनका पता भी नहीं लगा सकते यार दिस कैन बी डन इफ बी मेक ए लिटल बिट ऑफ एफर्ट व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन और अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो अगर हम इससे जाना अपनी और थोड़ी बिट और लिटल जो हम क्या करें एफ़र्ट्स लगाए और ज़्यादा एफ़र्ट्स करें कोशिश करें मेहनत करें तो हम यह भी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं जैसे जैसे आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे और आपको यह समझ में आने लगेगा कि दूसरे लोगों की लाइफ भी कैसी थी तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर हाउ वेन एंड वेयर कब कैसे और कहाँ कि डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट्स होती है किस तरह से डेट्स को डिवाइड किया गया भारत हमारा जो इंडियन का टाइम पीरियड्स है वह जेम्स मिल ने किस तरह से स्कॉटिश जो जेम्स मिल थे उन्होंने थ्री टाइप्स में डिवाइड किया हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिशर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया टाइम पीरियड को फिर उसके बाद जो दूसरे इतिहासकार थे उन्होंने क्या है इसको क्या बना दिया उन्होंने बनाया एशियन हिस्ट्री मिडेवल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री भारत के इतिहास को तीन भागों में डिवाइड कर दिया फिर इसके बाद हमने पढ़ा कॉलोनीज़म के बारे में पढ़ा कि कॉलोनीज़म क्या होता है जैसे ब्रिटिश का यहाँ पे शासन था वह अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ पे लोगों से काम करवाते थे मतलब किसी का गुलाम जो देश है वह होता है कॉलोनियल ठीक है फिर हमने इसमें फिर कैसे कैसे सर्वे रिपोर्ट्स थी कैसे उनको लिखा डेट्स को संभाल के रखा जाता है, ये सब हमने इस वीडियो में पढ़ा इसके बाद दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वह कहाँ से गेन हुई इन सब के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया है तो यह इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर आज खत्म होता है